जो हमारी पिछली सेशन हुई थी उसमें हमने कुछ चीज़ें पे बात करी थी भाई। मैंने सिंपल विंडोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बताया था वैल्यूज कैसे एंटर करोगे, वैल्यू को सम कैसे निकालोगे, और फिर मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें वैलिडेशंस वगैरह आपको लगा के दिखाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एरर प्रोवाइडर आप कैसे यूज़ करोगे, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर निकल के सामने आई थी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन यदि हमें वही पता होता है, देखो विंडोज़ प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल टेक्स्ट बॉक्स ले लो या लेबल ले लो, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी छोटी होती हैं। अब जैसे ये एरर प्रोवाइडर है, ये वहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज लोग मैसेज बॉक्स ही लगाते रहते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई एक ही बटन के क्लिक पे एक ही इवेंट को लेकर हमने दो टेक्स्ट बॉक्स को मैनिपुलेट करा था। ये देखो, अरे मान लो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट देना चाहूँ, लेगा ही नहीं, एरर आ गई। अब यदि मैं यहाँ पर नंबर दूँ तो लेगा, अब यदि मैं नंबर दूँ तो लेगा, यदि मैं बटन पर क्लिक करूँ ये यहाँ पर काम कर रहा है, यदि मैं इसको रीड ओनली हटाना चाहूँ हटा नहीं सकते, क्यों? चूँकि ये रीड ओनली। तो ये बातें हमने उस दिन करी थी, और मैंने आपको वहाँ पे एग्जिट का भी कोड बताया था कि एग्जिट के ऊपर आप क्या कोड कैसे करोगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे फॉर्म क्लोजिंग के ऊपर आपको इवेंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था। ये हमारा फॉर्म क्लोजिंग का इवेंट था जो हमने वहाँ पर अप्लाई करा था। अब थोड़ा सा हम उसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक, और भी हमारे कुछ कंट्रोल हैं, तो आज उन्हीं कंट्रोल को लेकर मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, चलो हम एक एक करके थोड़े से जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, जो कंट्रोल हम अभी यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम कंट्रोल को लेके देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा था, यहाँ पे एक है हमारा लेबल। लेबल होता है डिस्प्ले करने के लिए, आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे लेबल यूज़ कर लो और अपना काम करो। और एक छोटा सा यहाँ पे कंट्रोल होता है हमारा लिंक लेबल। ये लिंक लेबल क्या होता है, लिंक लेबल हाइपर लिंक बनाने के लिए होता है। हाइपर लिंक का मतलब, अरे मान लो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे किसी अदर चीज़ को एप्लीकेशन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिंक हाइपर लिंक की तरह काम करेगा ये। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिंक लेबल के टेक्स्ट पाता हूँ, और मान लो मैं यहाँ पे विंडोज़ में काम कर करके बोर हो गया, मैं चाहता हूँ भाई यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो कम से कम ये मेरा याहू तो ओपन करके दे ही दे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यदि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा यहाँ पे याहू खुल जाए। तो याद रखना यहाँ पे हर एक चीज़ होता है ना, वो इवेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैं यहाँ पे बटन के इसके पे क्लिक पे यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि याहू ओपन हो के आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखना किसी भी अदर एप्लीकेशंस को ओपन करना हो तो यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज होता है सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट मेथड होता है। अब इस स्टार्ट मेथड के अंदर में आप जो भी यहाँ पे डाल दोगे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ http://, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.yahoo.com। अब यदि मैं इसको रन कर दूं यहाँ पे, अब यदि मैं इसको रन कर दूं, तो आप ज़रा गौर से देखो कि इस विंडोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर आप हो और आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आप याहू पे मूव कर रहे हो। अब ऐसा हो क्यों रहा भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे कोड लिखा था। ये देखो, इट विल ओपन द ब्राउज़र, और ब्राउज़र के अंदर में आपके याहू को ओपन करके वो दे देगा। तो एक छोटी सी लाइन की कोड है, यदि हमें समझ है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये यहाँ पर याहू ओपन करके उसने दे दिया। तो एक छोटा सा लाइन का कोड है जो हमारे लिए काम कर रहा है, और केवल याहू ही नहीं। अरे मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा नोट पैड ओपन होकर आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट। अरे मान लो मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर खुल जाए, तो ये रहा जी कैल्क। अब यदि मैं यहाँ पर रन कर दूँ, कैल्क डॉट exe करके ऑलरेडी विंडोज में फाइल होता है, तो जब तुम कैल्क को कॉल करोगे तो वो वहाँ पर खुल के आ जाएगा। ये देखो, अब यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इट विल ओपन द कैलकुलेटर। और ये जो कैलकुलेटर आ रहा है, ये विंडोज़ का कैलकुलेटर आएगा। ये देखो, ये विंडोज़ के कैलकुलेटर आ गया ना, जो विंडोज़ वाले कैलकुलेटर हमारे। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब एक छोटा सा कमांड है जो आप याद रख सकते हो, किसी भी चीज़ को ओपन करना हो, जैसे एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, आपको एक्सेल ओपन करना हो, आपको नोटपैड ओपन करना है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हैं सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ नोटपैड। अब यदि मैं यहाँ पर रन करूँ, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो याहू लिखा हुआ है, कोई बात नहीं आप उसे नोटपैड कर देना। ये देखो, नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ पे आप किसी भी अदर एप्लीकेशन को इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। समझ में आई बात? चलो, छोटी सी चीज़ है ये हमारा लिंक लेवल। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई और भी कुछ छोटे छोटे कंट्रोल्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लूँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टूल टिप। अब ये टूल टिप क्या होता है, ये देखो, अरे याद रखना कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो यहाँ पे नीचे में आएंगे। अब जैसे मान लो ये टूल टिप है, देखो नीचे में जो कंट्रोल आ रहा है ना, इसका अपना मतलब है,
इसका क्या मतलब है जरा गौर से देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ पर देखो टूल टिप करके कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जरा गौर से देखो, टी वाले हैं ये, यहाँ पे टूल टिप करके कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब एक काम करो, यहाँ पे टूल टिप डालो, टूल टिप आ गया। अब जरा इस बटन के क्लिक पे जाना, प्रॉपर्टीज में जाना, यहाँ पे ये टूल टिप की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आ गई होंगी, अभी नहीं आई है, थोड़ा सा इसको टाइम दो। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये देखो यहाँ पर आ गया, अभी नहीं आया है, ये ले लो, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आ गया टूल टिप ऑन टूल टिप वन। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडर प्रॉपर्टी। एक्सटेंडर प्रॉपर्टी का मतलब जो एक्सटेंड हो जाता है बाद में, मैं पहले नहीं था, जैसे आपने ये लिया यहाँ पर आ गया। अब ये टूल टिप ऑन टूल टिप वन इसका मतलब क्या है, ये देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू, डाल दिया, सही से लिख लो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू, ये डाल दिया हमने। मैं इस बटन के क्लिक पे भी आता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में भी आ गया होगा, ये देखो टूल टिप ऑन टूल टिप वन, मैं यहाँ बोलता हूँ क्लिक में, मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लिक में, और बाकी जगहों पे भी आप लगा सकते हो टूल टिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप कर्सर वहाँ पे ले जाओगे, ये देखो, इसका मतलब यह है कि जब आप कर्सर यहाँ पे ले जाओगे तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखो आ रहा है, तो ये हमारा टूल टिप, भाई पता चल रहा है हमें करना क्या है। अब ये जो टूल टिप है इसमें थोड़ा सा तुम कलाकारी कर सकते हो, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक्टिव है ऑटोमेटिक डिले, मतलब आधे सेकंड के बाद आएगा, आप इसको कम कर सकते हो, कर्सर ले जाए तो आ जाए। अब ये इसका बैक कलर है, ये इसका फोर कलर है। आप एक काम करो, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं और मज़ेदार बना देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इज बैलून इज इक्वल टू ट्रू, मैंने बैलून प्रॉपर्टी सेट कर दिया, और बैलून प्रॉपर्टी के बाद मैं इसका बैक कलर भी चेंज कर देता हूँ, और मैं इसका फोर कलर, बैकग्राउंड कुछ अलग हो गया है, काम करो, मैं इसका फोर कलर भी चेंज कर देता हूँ, और मान लो फोर कलर में मैंने ये कर दिया, और आप यहाँ पे टूल टिप में आइकॉन भी ले लो, मैं यहाँ पे वार्निंग आइकॉन लेता हूँ, वार्निंग किस बात का इन्फो ले लो, टूल टिप टाइटल दे दो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ हेल्प, ठीक, और एनिमेशन बस आप रहने दें, मैं यहाँ पे यूज़ फेडिंग काफ़ी है ये। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, मेन जो प्रॉपर्टी थी वो थी इज बैलून, वो बैलून से आपका टूल टिप आएगा विथ जो भी आपने वहाँ पे कलर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेट किया है। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो ये ज़्यादा बेहतर है ना जो पहले से था, ये देखो, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या ला सकते हैं, टूल टिप। तो ये था हमारा एरर प्रोवाइडर, ये हमारा टूल टिप, ये हमारा लिंक लेवल, लिंक लेवल हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, ये जो हमारा टूल टिप है, टूल टिप के अलावा चलो, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अब मैं कुछ और भी लेता हूँ यहाँ पे टूल टिप के अलावा। अभी तुमने यहाँ पे www.yahoo.com ओपन कर लिया, बड़े खुश हो गए कि खुल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा खुले वो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर खुले, तो ये देखो यहाँ पे हमारा कंट्रोल होता है वेब ब्राउज़र, ये देखो ये हमारा वेब ब्राउज़र कंट्रोल है। अब मैं इस वेब ब्राउज़र कंट्रोल में आप क्या चाहते हो, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और मैं यहाँ पर URL, अब मैं यहाँ पर देता हूँ URL www.yahoo.com, ठीक। अब मैंने यहाँ को ओपन कर दिया, ठीक है, और मैं इसको अभी रन करूँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल उठाओ, कंट्रोल के ऊपर जब तुम राइट क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना बाय डिफॉल्ट वहीं खुलती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ब्राउज़र का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या था, URL, तो कर्सर बाय डिफॉल्ट आपको URL पे पहुंचा दिया, ये देखो ये यहाँ पे आपका Yahoo ओपन होकर आ रहा है, ये यहाँ पे Yahoo हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक समस्या है, समस्या क्या है कि यदि मैं इसको रन करता हूँ, तो चलो मैं बताता हूँ समस्या क्या है। उस समस्या से पहले चलो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आता हूँ, व्यू में आता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अभी आपके प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म्स हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, ओनली वन, एक ही फॉर्म है,
मैं काम करता हूँ और भी फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक, कैसे ऐड करोगे? राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, राइट क्लिक करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, न्यू आइटम करना है। और न्यू आइटम में आप क्या ऐड करना चाहते हो? तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम अभी लेते हैं फिलहाल विंडोज़ फॉर्म और यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी हमारा फॉर्म टू आ गया, अभी हमारा यहाँ पे फॉर्म टू आ गया, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म टू आ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इस फॉर्म टू का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में आता हूँ और प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे बैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके बैक कलर को आता हूँ और मैं यहाँ पे बैक कलर में आके इसका चेंज कर देता हूँ कलर, जो भी आप लेना चाहो ले लो, कलर डिफरेंट कर देता हूँ इसको, ये कर देता हूँ। अब जो भी आप यहाँ पे लेना चाहो ले लो। लेकिन अभी यदि मैं रन करूँ, अभी देखो मैं कौन से फॉर्म के ऊपर हूँ, अभी मैं बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्म वन के ऊपर हूँ। लेकिन अभी यदि मैं इसे रन करूँ, ये फॉर्म जो इनिशियल वाला फॉर्म था हमारा वही खुल रहा है, ये फॉर्म टू खुल के नहीं आ रहा है। याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे विंडोज़ में चाहे जितने भी फॉर्म हो, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म वन ही ओपन करेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा इनिशियल फॉर्म जो होना चाहिए वो फॉर्म टू होना चाहिए। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाउ टू मेक द स्टार्टअप फॉर्म। यदि मेरे पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं और भी फॉर्म हो सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ हमारी प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देख रहा हूँ ये प्रोग्राम डॉट सी एस, ये प्रोग्राम डॉट सी एस के ऊपर डबल क्लिक करो। यहाँ देखो ये इसका मेन मेथड है, यहाँ पे भी मेन मेथड आ गया, मेन मेथड ही में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डॉट रन न्यू फॉर्म वन। फॉर्म वन हमारा क्या है, क्लास है ना, क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो यहाँ पे, इसीलिए आप यहाँ पे बोल रहे हो फॉर्म वन। अब मैं फॉर्म वन की जगह यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म टू, न्यू फॉर्म टू। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो जो प्रोग्राम की शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी हमारे प्रोजेक्ट में, फॉर्म टू से होगी। क्यों? चूंकि हमने फॉर्म टू को स्टार्टअप फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब हमारा फॉर्म टू आ रहा है, फॉर्म वन नहीं आ रहा है। अगर फॉर्म वन लाना है तो यहाँ पे फॉर्म, तो आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके चेंज करना है मेन के अंदर। ठीक, चलो अब ये हमारा फॉर्म टू है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जरा वो समझ लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? एक तो प्रॉपर्टीज होती है डॉकिंग, ये इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज डॉकिंग। एक प्रॉपर्टीज होती है एंकरिंग, एक प्रॉपर्टीज होती है एंकरिंग, डॉकिंग, एंकरिंग। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंडर प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंडर प्रॉपर्टी। एक्सटेंडर प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था एक्सटेंडर प्रॉपर्टी क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉकिंग। अब ये डॉकिंग का मतलब क्या है, आप जरा गौर से देखो। अभी ये मेरा बटन है, अब यदि मैं अपने एप्लीकेशंस को रन करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करो, इसके प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर मैं आता हूँ इसके प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखो, जो हमारा डॉक है वो क्या है, नन है। नन का मतलब क्या है कि अब नन के जगह ये देखो, डॉकिंग का मतलब होता है कि तुम अपने कंट्रोल को कहाँ रखना चाहते हो। आप अपने कंट्रोल को टॉप में रखना चाहते हो, आप अपने कंट्रोल को बॉटम में रखना चाहते हो, आप अपने कंट्रोल को लेफ्ट में रखना चाहते हो, आप अपने कंट्रोल को राइट में रखना चाहते हो, आप अपने कंट्रोल को सेंटर में रखना चाहते हो। नन का मतलब बाय डिफॉल्ट अभी नन है, नन का मतलब कहीं भी उठा के डाल दो। लेकिन यदि मैं डॉक का मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्रोल को कहाँ पर रखना चाहते हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन जो है ऊपर में आता रहे, तो मैं यहाँ पर डॉक, डॉक को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टॉप। अब दुनिया की कोई ताकत इसको नीचे नहीं ला सकती है, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेगा कि इसको नीचे ले आए, नहीं ला सकता। ठीक, अभी मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अभी मैं इसको रन करूँ, ये देखो अब ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर में ही चिपका रहेगा। अभी मान लो मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ और डॉक को मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आएगा। मैं कर देता हूँ राइट, तो राइट में आएगा। मैं कर देता हूँ बॉटम, तो बॉटम में आएगा। और यदि मैं इसको कर दूँ सेंटर, तो पूरे पेज पे बटन ही बटन आएगा, ये आपका जो बटन है ये पूरे पेज पर आएगा। क्यों? चूंकि आपने क्या कर दिया वहाँ पे सेंटर, तो पूरा ये देखो सर, ये पूरा बटन ही है आपका। बात समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप डॉक में आएंगे, फिलहाल मैं कर देता हूँ नन। क्लियर? तो डॉकिंग का मतलब है कि आप अपने कंट्रोल को कहाँ पे रखना चाहते हो। ये देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन विच बॉर्डर ऑफ द कंट्रोल आर बाउंड टू द कंटेनर। आप किस बॉर्डर में अपने, ये हमारा क्या है, कंटेनर है,
ये इसकी बॉर्डर है, आप अपने कंट्रोल को कंटेनर के किस बॉर्डर में रखना चाहते हो। चलो डॉकिंग के बाद यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है एंकरिंग। एंकरिंग क्या होती है, ये देखो एंकरिंग हमें बताता है बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये कंट्रोल है ये यहाँ आ रहा है। यहाँ का मतलब ये है, ये देखो अब यदि मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ तो जरा गौर से देखना, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस वो मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस ज़्यादा हो गया। मैं कुछ भी करूं तो ऊपर ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस वो उतना ही मेंटेन कर रहा है। गौर से देखो इस स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एंकरिंग है वो है टॉप लेफ्ट। एंकरिंग का मतलब होता है कि जो हमारा एंकरिंग डिफाइन द एज ऑफ द कंटेनर टू विच ए सर्टेन कंट्रोल इज बाउंड। ये जो हमारा कंट्रोल है किससे बाउंड होगा, इस कॉर्नर से बाउंड होगा, इस कॉर्नर से बाउंड होगा, इस कॉर्नर से बाउंड होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंकरिंग। तो मैं यहाँ पे एंकर में आता हूँ और एंकर टाइप में बाय डिफॉल्ट हमारा ये है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉटम राइट। कर दिया, अब यदि मैंने बॉटम राइट कर दिया बहुत सब क्या होगा, ये देखो यदि मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ ये खुद ब खुद नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसको ये वाला डिस्टेंस मेंटेन करना था। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ। अब यहाँ पर बॉटम राइट मैंने ले रखा है, अब बॉटम राइट राइट की जगह मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ चारों तरफ से। मतलब आपने बोल दिया भैया इसे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए तुझे ये वाला गैप भी मेंटेन करना है, ये गैप भी मेंटेन करना है, ये गैप भी मेंटेन करना है, ये गैप भी मेंटेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं फॉर्म को मैक्सिमाइज भी करूँ तो फॉर्म मैक्सिमाइज होगा लेकिन बटन को सारे गैप मेंटेन करने हैं। तो वो गैप जो मेंटेन करेगा वो कैसे करेगा, ये देखो, ये देखो इसने खुद को कुर्बान कर दिया। इधर भी ये गैप है, इधर भी ये गैप है। तो हम लोग कई बार होता है ना कि हम कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं, भाई जब हमारा फॉर्म बड़ा हो तो एप्लीकेशन भी तो बड़ा होना चाहिए, या एप्लीकेशन उस गैप को तो कम से कम मेंटेन करे। तो उस काम को करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं एंकरिंग। तो यही होता है हमारा एंकरिंग। तो एक होता है डॉकिंग और एक होता है एंकरिंग। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, एक प्रॉपर्टी होता है हमारा ओपेसिटी। ये फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। ये देखो ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। अभी आपकी फॉर्म जो दिख रही है कितने पे दिख रही है, 100%। मैं काम करता हूँ इसको कर देता हूँ 50%। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ये जो तुम्हारा फॉर्म आएगा ये 50% पे आएगा। ये देखो इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है ना क्या है, ये देखो हमें दिख रहा है ना उसके बैकग्राउंड में क्या है, क्यों? चूंकि आपने ओपेसिटी क्या कर दिया 50%। एक काम करना 10% कर देना। अरे कहाँ गया, बंद कर दो। तो आप यहाँ पे ओपासिटी से इसका ये सेट कर सकते हो कि भाई कितना दिखाना है, कितना उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे सेट कर सकते हो ओपासिटी का यूज़ करके। ये देखो ये हमारा ओपासिटी ट्रांसपेरेंट फॉर्म है ना, दिख रहा है ना कि पीछे में क्या है। तो ये हमारा यहाँ पर ओपासिटी होता है। तो एक होती है डॉकिंग, एक होता है एंकरिंग, एक होता है हमारा ओपासिटी। एक्सटेंडर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। एक्सटेंडर प्रॉपर्टी क्या है, अभी है नहीं, बाद में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पे टूल टिप करके कुछ भी नहीं है देखो, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे टूल टिप लूँगा, मैं यहाँ पे टूल टिप लूँगा, टूल टिप लूँगा, ये नीचे आ गया। अब यदि मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ यहाँ पर आ जाएगा टूल टिप ऑन, टूल टिप ऑन, ये देखो आ गया। अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो लिख दो, जो भी कलाकारी करना चाहते हो कर दो। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, मैं इसको रन करूँ तो ये यहाँ पे सारे काम करेंगे। तो ये होता हमारा टूल टिप, ये देखो आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडर प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? चलो कुछ और प्रॉपर्टीज को समझो। ये हमारे फॉर्म्स के प्रॉपर्टीज ही हैं। ये देखो सबसे पहले है नेम। यदि मैं तुमसे ये बोलूँ कि इस फॉर्म का नाम क्या है, एक होता है नाम, ये हमारा नाम है। इसका नाम हो सकता है एफ आर एम रजिस्ट्रेशन, FRM रजिस्ट्रेशन। आपके फॉर्म का नाम क्या है, FRM रजिस्ट्रेशन। ये मत बोल देना फॉर्म टू, फॉर्म टू टेक्स्ट है जो आप डिस्प्ले कर रहे हो। ये देखो
ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप कुछ भी दे सकते हो। मैं आप बोलता हूँ माय फर्स्ट, टेक्स्ट में आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। तो नाम अलग होता है और टेक्स्ट अलग होता है। प्रोग्रामेटिकली जब मैं इसको यूज करूँगा तो नाम से यूज करूँगा। बात समझ में आई? एक होता है यहाँ पे एक्सेप्ट बटन। अब ये एक्सेप्ट बटन क्या होता है जरा गौर से देखो। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये बटन है, मैं बटन के क्लिक पे कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ याहू याहू। ठीक, मैं एक और बटन लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने दूसरा बटन ले लिया, इस बटन की प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको अलग कर दो। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या शो कर दे? कोरोना। ठीक, अब मैं रन करता हूँ। आप ज़रा गौर करो, विंडोज़ प्रोग्रामिंग की एक खासियत होती है। विंडोज़ प्रोग्रामिंग की क्या खासियत होती है? विंडोज़ प्रोग्रामिंग में यदि तुम काम करते हो, यदि तुम एंटर प्रेस करते हो तो कुछ ना कुछ होता है। पहले बात तो यहाँ पर ओपासिटी को ख़त्म करो। आपने फॉर्म की ओपासिटी कितनी ले रखी है? आपने यहाँ पर ओपासिटी ले रखी है 70%। मैं इसको कर देता हूँ 100%। चलो, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि यदि मैं एंटर प्रेस करूँ तो बाई डिफॉल्ट ये काम कर जाए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? फॉर्म के प्रॉपर्टीज में आ जाओ। यहाँ पर कोई था एक्सेप्ट बटन। अब एक्सेप्ट बटन में अभी नन है, मैं कर देता हूँ बटन टू। अब यदि इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं रन करूँ, अब यदि मैं रन करूँ देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये काम करेगा। लेकिन हो सकता है ना कोई आदमी बेचारा एंटर भी प्रेस कर दे। अब यदि आप एंटर करोगे तो कर्सर अभी आपका यहाँ पे है। एक काम करो, कुछ और कंट्रोल ले लो जिससे कि हमारा कंट्रोल कहीं और इधर उधर हो। ये देखो, ये देखो। अब यदि मैं यहाँ पे रन करूँ, अभी कर्सर हमारा यहाँ पे, ये देखो यहाँ है। अब मैं यदि एंटर पे प्रेस करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये आ रहा है। मैं कहीं भी हूँ, मैं एंटर प्रेस करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे एक्सेप्ट बटन में क्या डाल दिया था? एक्सेप्ट बटन में डाल दिया था बटन, एक्सेप्ट बटन में आपने अपने फॉर्म के एक्सेप्ट बटन में यहाँ पे क्या डाल दिया था? बटन टू। समझ में आई बात? तो ये होता हमारा एक्सेप्ट बटन। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे। ये देखो, बैकग्राउंड कलर आपको पता है, बैकग्राउंड इमेज भी पता है। बैकग्राउंड इमेज, अभी मान लो मैं यहाँ पे कोई इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई इमेज लेता हूँ, मान लो मैं ये लेता हूँ, ओके करो। ये देखो इमेज ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इमेज लेआउट में आके इसको अरेंज कर सकता हूँ। सेंटर कर दो, बीच में आएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ, ये पूरे फॉर्म पर आएगा। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ये देखो। और यदि मैं नन कर दूंगा, कहीं नहीं, बस कोई आपने नहीं लगा तो एक ही इमेज आएगा बाई डिफ़ॉल्ट। और टाइल कर दोगे तो ये आएगा, बाई डिफ़ॉल्ट टाइल होता है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक है कैंसिल बटन। कैंसिल बटन का मतलब क्या है कि जब हम एस्केप पे करेंगे तो कहाँ जाएगा? तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एस्केप क्लिक करूँ तो बटन वन कॉल हो जाए, ये वाला कॉल हो जाए। तो अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो, यदि मैं एंटर प्रेस करूँगा तो बटन टू काम करेगा, और यदि मैं एस्केप करूँगा, हमारी आदत होती है नहीं एस्केप करके बाहर निकलने की, तो हम यहाँ पे एस्केप करवा सकते हैं। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं करता हूँ एस्केप, ये देखो इसने कॉल कर लिया। अभी मैं बोलता हूँ एंटर तो ये वाला कॉल हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे एक होता है एक्सेप्ट बटन और एक होता है यहाँ पे कैंसिल बटन। कैंसिल बटन पे आप ये करवा सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा एक होता है कंट्रोल बॉक्स। ये देखो, ये आ रहा है ना ऊपर में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, नहीं आ रहा ना। मैं करता हूँ कंट्रोल बॉक्स ट्रू, आ रहा है। कर्सर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि कौन सा कर्सर रखना है। अब देखो यहाँ पे, ये हमारा फॉन्ट है, पूरे पेज पे अप्लाई होगा, ये पूरे पेज पे अप्लाई होगा। जब भी फॉन्ट वगैरह लेना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट लेना हो। ये हमारा फोर कलर है, ये पूरे पेज पे अप्लाई होगा, जो भी आपको कलर लेना है। ये हमारा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, बाय डिफॉल्ट साइजेबल है। यदि मैं यहाँ पे कर दूँ फिक्स 3D, ये अलग तरीके से आएगा साइजेबल। यदि मैं यहाँ कर दूँ टूल विंडो, ये देखो ये हमारा अलग अलग आएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेल्प बटन। हाँ, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई हेल्प बटन नहीं है। अब ये हेल्प बटन का मतलब क्या है अभी बताता हूँ।
ये देखो आइकॉन बाय डिफॉल्ट हमारा ये आइकॉन आ रहा है, तुम यहाँ पर आइकॉन भी चेंज कर सकते हो बॉस। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई आइकॉन है नहीं, अरे मैं किसी आइकॉन को यहाँ पर डाल दूँ, चेक करूँ क्या, कोई ना कोई तो होगा, स्टार डॉट आई सी ओ आइकॉन का एक्सटेंशन होता है आई सी ओ, ये देखो ये हमारा आइकॉन, मैं ये चलो ये ले लेता हूँ, ले लिया, ये देखो आइकॉन आपने चेंज कर दिया, पहले कुछ और आ रहा था अब कुछ और आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये आइकॉन भी चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म का कुछ भी चेंज कर सकते हो, पिक्चर ले लो, टेक्स्ट ले लो, आइकॉन ले लो, आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये देखो आइकॉन चेंज हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ये देखो यहाँ पे लॉक्ड है, लॉक्ड है फॉल्स, अरे मैं लॉक्ड को ट्रू कर दूँ, ट्रू का मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग नए लोगों को दे देते हैं फॉर्म पे काम करने के लिए, अब मैंने तुमको फॉर्म दे दिया बनाने के लिए कि तुम एक पे काम करो, तुम ये भी कर सकते हो ना, ये देखो प्रॉपर्टीज आप एक काम को राइट क्लिक, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक कंट्रोल, गलत हो रहा है, ये देखो अब नहीं जा रहा ना, हमने वहाँ पर लॉक कंट्रोल कर दिया, अब ये मूव नहीं करेगा कहीं, यहाँ पर राइट क्लिक अनलॉक करना है, तो फिर से एक बार क्लिक कर दो तो अभी अनलॉक हो गया, अब फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दूँ या राइट क्लिक करके पूरे फॉर्म को अनलॉक कर दूँ, ये देखो और पहले अनलॉक कर लेते हैं, ये देखो नहीं जा रहा है ना, तो ये होता है लॉकिंग, आप फॉर्म को लॉक भी कर सकते हो अनलॉक कर, जिससे कि उसका डिज़ाइन हिले ना, ऐसा ना हो कि पता लगा कोई आके चेंज कर दिया जी, तो आप वो काम कर सकते हो। ये फॉर्म का साइज़ है, आप यहाँ पे साइज ले सकते हो। अभी एक चीज़ और देखो, अभी यदि मैं फॉर्म को रन कर रहा हूँ तो बाई डिफॉल्ट ये कहाँ खुल के आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, कायदे से ये यहाँ आना चाहिए बीच में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, अब यदि मैं यहाँ पे सेंटर स्क्रीन कर दूँ और इस फॉर्म को मैं रन करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये फॉर्म खुल के आएगा ये बीच में आएगा, ये देखो बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर होता है स्टार्ट पोजीशन, टेक्स्ट जो भी आपको डालना है और बाकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे हम लोग फेस करेंगे चीज़ों को उस तरीके से यहाँ पर आती चली जाएंगी। और ये हमारे कंट्रोल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलो सपोज करो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ पे एक होता हमारा ये देखो, एक होता हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज में ये तुम डाल सकते हो जो भी आपको यहाँ पर डालना है, छोटी सी एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये अभी हमने एंकरिंग सेट कर रखा है ना उसका, इसलिए हुआ सारा। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज लेता हूँ, चलो मैं एक अलग से फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक ऐड, और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे से भी ले सकते हो विंडोज़ फॉर्म, ये राजीव विंडोज़ फॉर्म ऐड, प्रोग्राम डॉट सी एस में आ जाओ, स्टार्टअप फॉर्म चेंज कर दो, आप ज़रा गौर से देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया जब हमने नाम चेंज किया था, तो ये देखो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ न्यू फॉर्म, अब न्यू फॉर्म 3 कर देते हैं, तो बाई डिफॉल्ट हमारा ये फॉर्म खुल के आएगा, हमारा फॉर्म 3 है, चलो। तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखो अभी तुम्हारा फॉर्म ऐसा आ रहा है, एक बड़ी अच्छी चीज़ ही बताओ, अभी तुम्हारा फॉर्म इस तरीके से आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फॉर्म है ना ये थोड़ा सा अलग तरीके से बन गया है, ये जो हमारा फॉर्म है ये थोड़ा सा अलग तरीके से बन गया है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म देख देख के हम लोग बोर हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा फॉर्म है ये सर्कुलर आ जाए या कुछ इक्लिप्स टाइप से आ जाए, इलिप्स फॉर्मेट में आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ यूजिंग, मैं बोलता हूँ सिस्टम डॉट विंडोज डॉट ग्राफिक्स सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ड्राइंग टू डी। तो ड्राइंग टू डी हमारा यहाँ पे एक क्लास होता है, एक नेम स्पेस होता है। ड्राइंग टू डी के अंदर में एक क्लास होता है यहाँ पे ग्राफिक्स पाथ, हम बोलते हैं ग्राफिक्स पाथ इज इक्वल टू ग्राफिक्स पाथ जी आर इज इक्वल टू। अब हम यहाँ बोलते हैं न्यू ग्राफिक्स पाथ। अब ग्राफिक्स पाथ में अब ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्या क्या डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी मुझे यहाँ पे क्या लेना है ग्राफिक्स पाथ के अंदर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी आर डॉट एड इलिप्स में ऐड करता हूँ एड इलिप्स। और इलिप्स के अंदर पैरामीटर्स डालना है रेक्टेंगल टाइप का, तो मैं यहाँ बोलता हूँ न्यू रेक्टेंगल। और जब भी हम रेक्टेंगल डालते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर हमें चार पैरामीटर डालना होता है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कॉमा विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट विड्थ यानी कि फॉर्म का विड्थ कॉमा फॉर्म का हाइट, दिस डॉट मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट हाइट डाल दिया कॉमा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक। तो मैंने ये एक इलिप्स डाल दिया जो कि इस फॉर्मेट में आएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करो, तो मैंने यहाँ पे बोला जी आर डॉट एड इलिप्स, इलिप्स ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे उसमें न्यू रेक्टेंगल, और न्यू रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे साइज डाल दिया विड्थ और हाइट डाल दिया कॉमा, मैं यहां पर बोलता हूं दिस डॉट जो हमारा फॉर्म है फॉर्म का रीजन इज इक्वल टू, मैं यहां पर बोलता हूं जी आर यानी कि ये जो आपने ग्राफिक्स बनाया है दिस डॉट रीजन इज इक्वल टू, मैं यहां पर बोलता हूं न्यू रीजन, और ये जो आपने जी आर बनाया है ये जी आर यहां पर डाल दिया। अवधि मैं रन करूं तो आपका ये जो फॉर्म है ये इलिप्स के शेप में आएगा, ये रहा जी आपका फॉर्म। सही लग रहा है गुरु? कोई जरूरी नहीं है इलिप्स, आप जिस शेप में चाहो उस शेप में आ जाएगा बॉस। अब आप यहाँ पे ऐड इलिप्स है, अब आप जो भी करना चाहो उस शेप में आप यहाँ पे कर सकते हो। अरे मान लो मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी आर डॉट, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप जो भी लेना चाहो पाई के शेप में लेना चाहो पॉलीगॉन शेप में लेना चाहो सब कुछ ले सकते हो। फिलहाल मैंने आपको बस यही बताया कि आप इलिप्स शेप में कैसे लोगे। चार लाइन का कोड है, जिन लोगों को डॉट नेट आती है ना बड़े अच्छे तरीके से उनसे भी बात करके देखना, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये अच्छी चीज़ है इसे याद रखना। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइंग के अंदर ड्राइंग टू डी होता है, ड्राइंग टू डी के अंदर ग्राफिक्स पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर एलिप्स वगैरह हमने जो भी ऐड करना था वो ऐड कर दिया, एंड फाइनली हमने यहाँ पर रीजन सेट कर दिया और हमारा काम हो गया। तो ये हमने एक छोटा सा जादू आपको दिखाया यहाँ पर फॉर्म थ्री के अंदर। फॉर्म टू के अंदर धोनी साहब आ गए, और फॉर्म वन के अंदर मैंने कुछ कंट्रोल्स वगैरह आपको यूज़ करके बताया कि कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो प्रॉपर्टीज हैं डॉकिंग एंकरिंग एक्सटेंडर प्रॉपर्टी ओपासिटी, इनको याद रखने की जरूरत है कि ये होता क्या है ये करता क्या है। इंटरव्यूज के क्वेश्चन है व्हाट इज डॉकिंग व्हाट इज एंकरिंग, तो आपको बताना होगा भाई ये